हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VWIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। नई जानकारी के साथ में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अपनी चरम पर है और DPI के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है और बहुत जल्द ये समाप्त भी हो जाएगी और दिसंबर में जो वेटिंग के अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिल जाएगा शिक्षक बनने का। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी जो बहुत सारे पद खाली हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि 1 लाख के आसपास शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो पद निकाले गए हैं वह संख्या में काफ़ी कम है। और कुछ विषयों में तो यदि हम माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो वहां पर केवल ऊँट के मुँह में जीरा के समान ही पद निकले हैं। और लगातार 2-3 साल से रंजीत कौर और उनकी टीम के द्वारा बहुत सारे अभ्यर्थियों को एकत्रित करके और इस प्रकार से आंदोलन किए जा रहे हैं, ज्ञापन पत्रों के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि मेरिट होल्डर अभ्यर्थी हैं वो भी बाहर हो चुके हैं। यदि हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी की बात करें मुख्यतः वर्ग 2 में, तो दोस्तों इसी के संबंध में जो OBC महासभा बालाघाट है वो काफ़ी लंबे समय से पदवृद्धि को लेकर भी और साथ में ही जो होल्ड प्रकरण है उनको हटाने के लिए और इसके साथ OBC के अपने अधिकारों को दिलाने के लिए लगातार गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ रही है और आंदोलन है। तो इसी के संबंध में दोस्तों आज जानकारी है कि आज यानी कि 1 नवंबर को OBC महासभा बालाघाट द्वारा प्रदर्शन है अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर। और दोस्तों एक और खुशखबरी है, जैसा कि आप पिक्स में देख पा रहे हैं कि रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा मुख्यमंत्री जी को भोपाल में ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द जो अगली काउंसलिंग आएगी उसके पहले पदों की वृद्धि कर दी जाए जिससे कि और अभ्यर्थी इस भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। तो ये पिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि OBC महासभा बालाघाट के द्वारा जो 1 नवंबर यानी कि आज धरना प्रदर्शन दिया जाना है उसमें उन्होंने क्या क्या मांगे रखी हैं और न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से भी, और जैसा कि आप ये मैटर देख पा रहे हैं आपकी थंबनेल में, इससे संबंधित भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़पेपर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें है कि अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन 1 नवंबर को, और ये बालाघाट से संबंधित है। तो दोस्तों 1 नवंबर को OBC महासभा बालाघाट जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय बालाघाट अंबेडकर चौक में शिक्षित युवा बेरोजगार साथियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। और दोस्तों अधिक से अधिक इसमें जुड़ने का प्रयास करें और ये प्रदर्शन लगभग 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और इसके पश्चात एक ज्ञापन भी प्रेषित किया जाएगा और जिसमें मांग की जाएगी कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में जो विभिन्न विषयों जैसे कि 18, 50, 60 और 100 पद आए हैं हिंदी, सामाजिक विज्ञान, उर्दू और विज्ञान में, तो उनमें जो सीटें दी गई हैं उसमें वृद्धि कर दी जाए। और ये मांग करते हैं कि लगभग सभी पदों में 3-3 हज़ार की वृद्धि हो और जिसके तहत मध्य प्रदेश के 91 हज़ार रिक्त पदों पर जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती हो एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन विषयों को होल्ड रखा गया है उनको तुरंत हटाया जाए। और इस प्रकार से दोस्तों OBC से संबंधित और भी मांगों के बारे में इन्होंने बात की है और ये कहते हैं कि द्वितीय काउंसलिंग के पूर्व उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के समस्त विषयों में पदों की वृद्धि करते हुए मध्य प्रदेश में रिक्त पड़े 91 हज़ार पदों में भर्ती मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र करे। माध्यमिक शिक्षक के 50, 60, 100 एवं 18 पदों की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करे, और जिसकी लड़ाई रंजीत गौर भी काफ़ी समय से लड़ रहे हैं अपने साथियों के साथ में। और मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में समस्त विषयों में रिक्त पदों में वृद्धि कर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण भी किया जाए। तो दोस्तों यहां पर अतिथि शिक्षकों की मांग को भी इसमें शामिल किया गया है, वो भी काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, 14-15 साल से गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनको भी अब बाहर कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर तत्काल भर्ती की जाए और उसके बाद में दोस्तों जो OBC का 27% आरक्षण है उसको भी यथाशीघ्र सही तरीके से लागू करने की बात इसमें अपने एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने कही है। और साथ में ही जो घोषणा पत्र रहेगा, उनका जो ज्ञापन पत्र रहेगा, उसमें भी उसको सम्मिलित करके प्रशासन को और मुख्यमंत्री को देंगे। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी कि इस प्रकार से जो है आंदोलन किया जा रहा है और आंदोलन कितना सफल रहेगा, कितना इफेक्टिव रहेगा और गवर्नमेंट इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया लेती है, तो वो भी आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिल जाएगा जैसे जैसे कि आंदोलन आगे प्रोग्रेस करता है। तो अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।